दीपक जी, फरीदाबाद से श्री महाराज जी।, जी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या महाराज जी जगत मिथ्या हमें क्या थोड़ा सा इसमें वो लगता है कि अगर हम इसी मिथ्या जगत में श्री हरि का नाम जब करते हैं सत्य कर्म और पुण्य कमाते हैं तो ये मिथ्या महाराज जी इसको क्यों कहा जाता है ये जगने की चेष्टा है हरि नाम जपना जैसे सोए हुए पुरुष को जगाया जाता है ना ऐसे ही ये जो सत्संग है हरिनाम है ब्रह्म तत्व की चर्चा है वेदांत चर्चा है सांख्य है योग, कर्म योग भक्ति योग ये जीव को जगाया जा रहा है ये साधारण निद्रा नहीं है ये मोह निद्रा है समझ रहे हैं? वो सुषुप्ति है तमोगुण जनित ये मोह निद्रा इतनी प्रबल है कि हम जागते हुए भी जाग नहीं रहे हैं हम जानते हुए भी, भी जान नहीं रहे हैं समझ रहे हो नहीं समझ रहे जैसे सबको ये जानता है कि स्थूल शरीर में नहीं हूं पक्की बात है ना इतना कहीं ना कहीं दिमाग में तो है कि यार शरीर में नहीं हूं है दिमाग में भला काफी लोगों के जो सत्संगी होंगे उनके तो दिमाग में होगा ही ये।, ये शरीर में नहीं हूं है ऐसा दिमाग में कि नहीं कहीं ना कहीं दिमाग में होगा क्योंकि शरीर छूटता है तो कहा जाता है छोड़ने वाला गया तो मतलब वो जाने वाला कोई और है और जो शरीर है ये फूक दिया जाता है मतलब शरीर मैं नहीं हूं लेकिन कितने लोगों को इसका सच्चा ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं <laughs> जानकारी होना जैसे सबको लगभग जानकारी है यहां से जाना है क्यों सबको है ना लेकिन कितने को जानकारी यहां से जाना है हम उसको उसी का प्रश्न कर रहे हैं कि कितने को जानकारी जानते हुए भी वो नहीं जान रहे हैं जानते हुए भी वो नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब है ये जागते हुए सोने का नाटक वो तो सुसुप्ति में है ही अज्ञान में लेकिन ये जो सोना कहा गया है कि ये सो रहे हैं सब अज्ञान की धारा में उसी को मिथ्या शब्द कहा गया है मिथ्या शब्द मतलब का मतलब सुसुप्ति गाढ़ सुसुप्ति उमा कहूं मैं अनुभव अपना सतहरि भजन और जगत सब सपना ये एक जागतिक सपना जो चल रहा है मोह की अज्ञान की धरा में यह मिथ्या है जैसे पीछे जन्म में आप कौन थे आपको पता नहीं आपका परिवार था आपके रिश्ते नाते थे लेकिन आपको आज पता नहीं ऐसे कल आपको इसका पता नहीं होगा जो वर्तमान में है इसका पता नहीं होगा जैसे आप कितने साल के हो 28 वर्ष के पहले आप 9 महीने मां के गर्भ में रहे आपको जानकारी है एक सेकंड की भी तो हमारी स्मृति बहुत मंद है इसी जन्म में नौ महीने माँ के गर्भ में रहे एक सेकंड का अनुभव ही नहीं है नहीं है ना तो तब से लेकर के माँ के गर्भ से और अब तक हमारी कितनी स्मृति मंद हो गई है अगर हमारी संपूर्ण स्मृति जागृत हो जाए तो गर्भ में हमने भगवान से एक वादा किया था कपिल भगवान जीव की स्थिति का वर्णन करते हैं जब तो भागवत में वो जीव को ज्ञान होता है अनंत जन्मों का माँ के गर्भ में उसे बड़ी पीड़ा महसूस होती है आसपास झिल्ली के अंदर बंधा हुआ और लिबलिबाहट वाले सब गंदे पदार्थों के बीच में भरा हुआ और उसके श्वास प्रश्वास की गति रुकती है और नाल से उसका आहार विहार शरीर में जाता है उसी से उसका पोषण होता है उस समय कुछ खाना पीना तो होता नहीं तो भारी कष्ट होता है तो उसी समय भगवान उसे स्मृति जागृत करते हैं तो उसे ध्यान आता है अनंत जन्मों से इस माया में मैं भ्रमित तो भगवान से कहता है कि एक बार मुझे इस माता के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि की बार अगला जन्म नहीं होगा मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा भूमि परत ढाबर पानी तिम जीव ही माया लपटानी जे ही माँ के गर्भ से निकला तो भूल गया भगवान की ऐसी लीला माया अब कहा वो जो दिव्य आनंद था वो कहाँ कहां, कहां बोले लड़का हुआ लड़की हुई अब वो भूल गया अब वो फिर शरीर राग में पुष्ट हो गया बचपन अब देखो जवानी आप जवान हैं आप जवान हैं ऐसा ज्ञान है मैं जवान ऐसा कभी नहीं ज्ञान कि शरीर जवान है नहीं भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि जानते हुए भी, भी नहीं जान रहे हैं जानते हुए भी, भी नहीं यहां से चवन्नी नहीं जानी किसी के साथ एक रुपया नहीं जाना फिर भी सब हाय हाय किए सात जन्म के लिए इकट्ठा करने का सारा प्लान है मन बुद्धि चित्त इसे सत्य मानने लगा तो शास्त्र हमारा कहता है ये सत्य नहीं है इसी में जो ब्रह्म तत्व है वो सत्य है तो अब तुम सोने के नाटक में अगर हो तो जगाना बहुत कठिन होता है अगर वास्तविक सोए हुए हो तो जग जाओगे ए उठो सबेरा हो गया उठ जाएगा लेकिन सोने का नाटक कर रहा हो तो ए उठो है उठो तो हम लोग सब सोने का नाटक कर रहे हैं अज्ञान का नाटक कर रहे हैं जागे हुए पुरुष हो तुम सब तुम्हें सब पता है जब किसी का परिवार में निधन होता है और लोग स्मशान घाट में ले जाते हैं तो कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य क्या ये पता नहीं उनको बोल रहे हैं तो क्या उनके दिमाग में बात नहीं आ रही लेकिन बोलते हुए भी वो नहीं जान रहे हैं ठीक है वहा फूंकते हैं तो क्या दिखाई नहीं दे रहा शरीर की दुर्दशा क्या हो रही तो इस शरीर के लिए हम मांस सकाय मदिरा पिए बेविचार करें पापाचरण करें और यही शरीर जल जाएगा और उसका कर्म लेकर हमको भोग भोगना पड़ेगा भला क्या जानकारी है सच्ची नहीं जब उस परिवार के लोग रोते हैं तो दूसरे लोग बैठ के समझाते हैं देखो भाई इस संसार का नाम मृत्यु लोग है यहां ऐसा होता ही है सबको मरना पड़ता है कल हम भी मरेंगे आप भी मरेंगे आप क्यों चिंता करते हैं आप शांत हो जाइए और आप बीड़ी पी के चल रहे हैं हमने देखा एक बार आप बीड़ी जलाई और बीड़ी पीते हुए चले और आगे चल के हंसी को भूल गए सब वो ये भूल गए कि ये दशा मेरी भी शरीर की होनी है तो यहां भैया जानते हुए सब सो रहे हैं यद्यपि जग रहे हैं पर वो सब सोते हुए से अज्ञान की धरा में इसीलिए मिथ्या ये जो हरिनाम है सत्संग है ये जगाना है हम जगा रहे हैं आप जगने की चेष्टा करें तो आप बहुत जल्दी जग जाएंगे जी जानते हुए भी हम इसको भूल रहे हैं या फिर सो रहे हैं तो ये माया का प्रभाव है ये माया का प्रभाव है दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरन गेम जैसे नहीं होता कि ये पाला खींचा है कबड्डी बोलने उधर जाना है अब आपको सांस न टूटने पाए पाले तक आना है तो हमको संसार के कार्य करना है राधा 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 ये सांस न टूटने पाए हमें अपने पाले में लौट के आना है कि हम भगवान की शरण में हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है निकल गए जीत गए अगर सांस टूट गई पाला तक ना पाए तो आउट हो गए फिर जन्म लो फिर कार्य करो गेम है ये आपको भगवान तक पहुंचना है मनुष्य जीवन ये आखिरी चांस है आपको फिर आपको तिरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे का गेम खेलना पड़ेगा ये, ये मानव देह मिली है ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अगर इस गेम में निकले तो निकले नहीं फिर तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली कुछ नहीं गेम है छूट है अभी आपको और जिस समय आपका समय समाप्त हुआ सिकंजे पे फंसे फिर नहीं चलते नहीं हाँ फिर जब वो कर्म का जाल फंसता है तो फंसता ही चला जाता है बहुत दुर्गति होती है यही देख लो यार बढ़िया हाँ, कार में बैठे हैं पीछे से आया बिल्कुल समेटता चला गया आगे वाले ट्रक और पीछे पीछे का ट्रक बीच में चटनी बन गए उनकी लाश भी सही नहीं मिली क्या हुआ ये कोई नवीन थोड़ी कर्म बना पूर्व का प्रारब्ध पाप कर्म जो बड़ी बड़ी हम लोग हिंसाएं करते हैं जैसे भ्रूण हत्या गर्भ हत्या कई प्रकार की हत्याएं और गुप्त रूप से उनका अपराध हुआ और पाप का दंड नहीं मिला न कानून से मिला न भगवान से देखा इसे चटनी बन गए देर नहीं लगी पिस गए तुम जानते नहीं हो अगर उसके कर्म जान जाओ तो कहो यही होना चाहिए था जैसे अभी कोई गंदा काम करता है तो अभी थोड़ी उसका फल मिल जाता है पर समय आएगा तो उससे भी बड़ा कष्ट उसे मिलेगा तो इसलिए अभी हम लोग सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते वस्तुता सब जानते हो इस जानकारी को अगर प्रयोग करना चाहते हो तो नाम जप करो नाम जप कर लिए जान गए तो कुछ मिथ्या नहीं है सब ब्रह्म है और भी सूत्र है ना सर्वम खलमिदम ब्रह्म जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये एक समझाने के लिए सूत्र है और समझ आने पर क्या आता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है ये जगा हुआ पुरुष है जगो जागो सोने का टाइम नहीं है प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए भागो अंदर से प्रभु के चरणों की तरफ काल बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है समय आने पर बिल्कुल ऐसा चपेट में ले लेगा चला गया पता ही नहीं चला इसलिए बिल्कुल आपको समझ में आ रही है हमारी पर?